गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सज जाओ प्रेम नाल गुरु साहब जी की लड़ीवार कथा श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है ई सच नानक होसी ई सच चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख पू कहना सकत किह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जा कोटे इंद्र इंद्राण साही सहाण गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत अम्य दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वास कर सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार है खुए गुर नव निद दरियाऊ जन्म हम कालख तुवे सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसिय गुरु का जन्म मरण दुख जाई सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सुबा चिंता लाही हमारी रहाओ अवर न सूज दूजी ठाहर हार पर्यो तौ द्वारी लेखा छोड़ अलेखा छूट है हम निर्गुण लेहु उबारी
ਸਦ ਬਖਸਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਅਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਉ ਰਾਖ ਲੇਹੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰੀ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਈ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਾਉ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਈ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਾਉ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਈ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ ਰਹਾਓ ਪਤਤ ਪੁਨੇਤ ਦੇਨ ਬੰਦ ਹਾਰ ਸ਼ਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਆਵੋ ਗਜ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੋ
तज अभिमान मोह माया फोन भजन राम चित लावो नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो तज अभिमान मोह माया फोन भजन राम चित लावो नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल करुणा निदान ज्योति स्वरूप परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप गुर परमेश्वर साहिबे कमाल हजूरे अनवर नूरे कायनात वालिए कुलयालम चोजी प्रीतम बाजा वाले माही अमृत के दाते पंथ दे वाली सरबंस दानी तख्तां वाले ताजा वाले फौजा वाले बाजा वाले शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज परम कृपालू साहिब जी सरबत जीवां दे उपर बेअंत दयालता कृपालता बख्शिश मेहर करके अपने पावन सतजुगी तप स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे पावन सुख दे दर्शन दीदार मेले साहित श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सतसंगत रूपी गोद दे समेत बख्शिश करके सरबत जीवां नूं निहाल किरतार्थ कर रहे ने। वड भागी जना ने सतगुरां दे पावन दर ते आ करके तख्त साहिब जी दे गुरु साहिबान जी दे दर्शन दीदार करके अमृत गुरबाणी द्वारा सतसंगत दीआं हाजरियां भर करके आत्म आनंद नूं माणिया है। गरीब निवाज सतगुरु जी दे पावन तख्त साहिब जी दी नित दी मर्यादा दे अनुसार वक्त है सतगुरां दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी कथा विचार श्रवण करने दा। सतगुरु जी दी साजी नवाजी साध संगत जीओ अज बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै अथवा हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई जिन्हां सतगुरां दे चरणां दी शरण विच आउण वास्ते चरण धूड़ प्राप्त करन वास्ते वली नबी पैगंबर रहबर देवियां देवते अवतार जक्ष दानव मानव सारे तरस देने ना ऐसे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दा अज 486वां प्रकाश पुरब है। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी ने माता दया कौर जी दी पवित्र कुखों बाबा हरदास मल जी दे ग्रह विखे चूना मंडी लाहौर दे विच प्रगट होना कीता है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दी चौथी जोत जो संसार दे अंदर गुरु जोत प्रगट होने वास्ते ही अवतार धारण करके आए ने। गरीब निवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने जिस वेले अवतार धारण किया ना ते सारे लाहौर वासियां दे जेड़े हिरदे ने अपने आप खिड़ गए ने मन प्रसन्न ने चित दे विच उत्साह भरदा जांदा है प्रेम उपजदा आउंदा है पर समझ नहीं आउंदी कि यह चाओ कादा चढ़ रहा है खुशियां कादियां आ रही ने। जिथे हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करा मात आप सिरजन हारिया धारिया जिथे सिरजन हार
हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपना सरगुण स्वरूप धारणा किया है, जिथे ए अकाल जोत गुरु जोत अगमी जोत अदुती जोत प्रगट होई है, उथे दे जीवां दे साध संगत जी हिरदे अपने आप प्रसन्न किवें ना होण। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच तां इथों तक कविराज भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि कुदरत ने कायनात ने इवें सतगुरु रामदास सचे पातशाह महाराज साहब जी का स्वागत किया कि तिस समय जिहड़ियां पाणी दीआं नदियां वग रहीआं सन ना, कुछ समय वास्ते ओ पाणी दी जगह ते दुध वगना शुरू हो गया, दुध दीआं नदियां भर भर के वगदीआं ने। गरीब निवाज सतगुरु जी परोपकारी धीरजधारी जी दुनिया के उपर आए ने कौतक वरताउण वास्ते, शरीर करके आरबला पंज कु सालां दी होई है पर आम बालकां दे वांगू बच्चियां दे नाल खेडदे नहीं, खेडदे वल्लों शरीरक ते दुनियावी क्रियावां दे वल्लों जिहड़ा चित है आप जी दा उपराम रहिंदा है। आप जी निमगन रहिंदे ने, गंभीर अवस्था दे विच टिके रहिंदे ने। कोई साधु आउंदा है, महात्मा आउंदा है, परमात्मा जी दे नाम दी बात सुनाउंदा है ते आप जी उस दी गल बड़े ध्यान दे नाल सरवण करदे ने। इसे प्रकार छोटी अवस्था है आप जी दे सत्कार योग माता जी जगत माता जी शरीर करके सदीवी विछोड़ा दे गए ने, ते आम करके उस समय ते अज दे समय भी जदों कोई शरीर चढ़ाई कर जावे ते बच्चियां नू चुक करके लांबे लै जांदे ने। पर सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज जिन्हां दा पहला नाम भाई जेठा सी, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी अपनी माता जी दे कोल ही रहे ने। इसे प्रकार सके संबंधी आउंदे ने, अफसोस करदे ने, कुछ इसे प्रकार जो विजोग करदे ने। आप जी सारी क्रिया नू सारी मर्यादा नू संसारिक क्रिया नू अखी तक रहे ने। फिर माता जी दे पवित्र शरीर दा इशनान करवाया गया, बस्तर पहनाए गए, चिट्टे बस्तर दे नाल शरीर ढकिया गया, चार कानियां ने मोढ़ा दिता है, शमशान भूमिका विच लै करके गए ने ते अग्न भेट कीता है। जिस वेले माता जी दे शरीरां दा अंतम संस्कार हुंदा अपने नेत्रां दे नाल तकिया ना, ते दुनिया दे वल्लों होर भी ज़्यादा उपराम हो गए। पर आप जी दे सत्कार योग पिता जी बाबा हरदास मल जी आप जी दे नाल अत्यंत प्यार करदे ने, लाड लड़ाउंदे ने, ध्यान रखदे ने, ख्याल रखदे ने। पर वाहिगुरु जी की कला ही ऐसी वरती है, शरीर करके आप जी की आरबला अजे सत्त कु सालां दी होई है ते सत्कार योग पिता जी भी सदीवी विछोड़ा दे गए ने। उन्हां दे भी शरीर दीआं सारीआं क्रियावां नूं अपने नेत्रां दे नाल तकदे ने, जिवें जिवें तकदे ने संसार वल्लों उपरामता धारण करदे ने। संसार दा मोह ते पहलां ही आप जी दे हिरदे विच नहीं, काम क्रोध लोभ मार काम क्रोध मोह मार कढे तुद सपरवारिया, काम क्रोध लोभ मोह विकारां नूं ते सहत परिवारां दे सहत बुरियां बिरतियां दे पहलां ही गुर शब्द दी चोट दे नाल हिरदे दे विचों मार के कढ़िया होया, क्योंकि गुरु जोत प्रगट होए ने, कोई आम मनुख नहीं। ऐसे गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पिता सतगुरु पिता जी की सारी अंतम संस्कार की मर्यादा नूं सतगुरु जी ने तकिया है, तिन्हां दा इशनान करवाउणा, चिट्टे बस्त्र पहनाउणे, बस्त्रां दे नाल शरीर नूं ढकणा, सारे रिश्तेदार आउंदे ने ते आप जी दे पिता जी दा मुख जो है कपड़े दे विचों नंगा करके कढ करके दर्शन करदे ने। फिर आप जी दा शरीर छोटा कानी ते नहीं सन बन सकदे, शरीर नूं हाथ लगवा करके चार कानियां ने आप जी दे पिता जी दे शरीर नूं उचाया है, शमशान भूमिका दे अंदर लै करके गए ने, शरीर नूं लकड़ां दे उपर रख करके फिर चिखा सवारी गई है। आप जी ने अपने हस्त कमलां दे नाल अपने पिता जी दे शरीर नूं अग्न भेट करना कीता है, ते आप जी दे सत्कार योग नानी जी आप जी नूं बस रखे गल्लां आप जी दे नानके नगर विखे लै करके आ गए ने। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज शरीर परिवार दा निर्वाह चलाउण वास्ते ते निर्वाह चलाउण दे बहाने दे नाल दुनिया नूं संसार नूं सच दी किरत करनी सिखा रहे ने। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरत करो दे बचना दे सिद्धांत नूं धारण कीता है। आप जी दे नानी जी घुंगणियां बना करके आप जी नूं इक चंगेर दे विच पा करके देंदे ने, लाल जी घुंगणियां वेच करके आओ जिस दे नाल उपजीविका चलेगी।
ते गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी छोटी आरबला है जदों घुंगणियां वेचण दी आवाज देंदे ने ते सुनण वालियां दे मन मोहे जांदे ने हिरदे खिचे जांदे ने पर जे कोई साधु आ जांदा है लोड़वंद आ जांदा है महात्मा आ जांदा है ते बिना कोई पैसा लए तो मुठां भर भर के घुंगणियां उसकी झोली विच पा देंदे ने गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे किरत करनी सिखा रहे ने उथे दसवंद देना भी सिखा रहे ने। एक समय कोई ऐसा फकीर आया छकण वास्ते पदार्थ की मंग की है मुठ भर के घुंगणियां की उसकी झोली विच पाई है कहण लगा जी इतनिया नहीं लैनिया होर लैनिया ने। ते श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर बचने ने दो तीन मुठा भर के होर उसकी झोली विच पाईया वो साधु कहण लगा नहीं जी इनिया नहीं लैनिया अजे होर घुंगणियां लैनिया ने। ते परम दयालु सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ऐसे प्रेम अते दयालता दे घर विच आए ने अपनी सारी ही चंगेर चुक करके उसकी झोली दे विच पलटा दिती है। घर दे विच आए ने भावें बजुर्ग नानी जी थोड़ी रिस धारण करते ने पर आप जी किसी प्रकार उन्हां दी रिस नूं मन दे उपर नहीं लाउंदे सारे पदार्थ अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे जाण करके साधु महात्मा ते सारी सृष्टि नूं करते दी किरत जाण करके सभना दी प्रत पालना करनी ते दसवंध देना सिखा रहे ने। इस प्रकार समा पा करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज संगत दे नाल श्री गोइंदवाल साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज साहिब जियां दे चरणा विखे आए ने। बाकी दियां संगतां दे भावें सतगुरु जी दे दीदार करके वापस चलिया गईयां पर भाई जेठा जी जो बाद दे विच सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन सरूप करके प्रगट होए ने श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दियां मुबारक चरणा विखे ही रहे ने लंगर की सेवा करते ने लंगर पकाउण दी सेवा वरताउण दी सेवा भांडे मांजण दी सेवा झाड़ू फेरन दी सेवा जिथे सतगुरु जी की आग्ञा मनदे ने सतगुरु जी दे सिखां नूं भी सत्कार देंदे ने ते जो भी बचन सेवा करने दा सिख करदे ने उस दा आग्ञा दा पालन करदे ने कि गुरु घर दे विचों सानू आग्ञा प्राप्त होई है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी अंतरजामी पर उपकारी जी ने अपनी बेटी का आनंद कारज बीबी भानी जी का भाई जेठा जी दे नाल भाव सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जिया दे नाल करना कीता है भावें गुरु के दामाद ने पर दुनियावी रिश्ता कदे जनाया नहीं सदा चरणा दे दास हो करके सेवा करते ने। इसे प्रकार बौली साहब की सेवा हुंदी है सिर दे उपर वड्डा भारी दस्तारा कह लिए मुड़ासा बन लिया है दिन रात टोकरा ढोण की कार करने की मिट्टी कढ़ने की सेवा करते ने इस प्रकार सदा गुरु के चरणा दे दास बन के रहिंदे ने। समय के अनुसार आप जी दे ग्रह विखे बाबा पृथ्वी चंद जी बाबा महादेव जी ते गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का अवतार होया है गुरता गद्दी की प्राप्ति हुई है। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने धरती दे उपर ही ऐसा सचखंड स्थान प्रगट करना कीता है डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया बदोहो पुरख बिधाता ता तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर नानक हर हां कसमल जाहे नहाया रामदास सर। जिस सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जिया दे पावन अमृत सरोवर दे अंदर इशनान करने दे नाल पाप लथ जांदे ने 68 तीर्थां दा राजा तीर्थ आप जी ने अमृतसर साहब जी दी रचना करना कीती है अस्थान बना करके प्रगट करना कीता है। ऐसे गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी संत हो रामदास सरोवर नीका जो नहावै सो कुल तरावै उधार हुआ है जी का। जिस वेले गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी कौतक वरता रहे ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी नूं प्रगट करन वास्ते थड़ा साहब जी की उसारी कर ली है सरोवर बना लिया है दीवान सजदे ने सतगुरु जी अमृत प्रवचना दे द्वारा संगतां नूं निहाल करदे ने ते साध संगत जी एक गरीब ब्राह्मण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी के चरणा विखे रोंदा होया नतमस्तक होया है।
गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने धीरज दिती है, पंडित जी की गल है, वैराग त्यो धारण किया होया है, तुहाड़ियां अखां चो जल क्यों आउंदा, क्यों रोंदे पए जे। बेनती की गरीब निवाज अंतरजामी सतगुरु जी, करोड़ा ब्रह्मंडा दे जीव जीव दे हिरदे दे जानने वाले सतगुरु जी, मेरे हिरदे की वेदना भी आप जी जानते हो, पर जिहड़ा दुखी बंदा हुंदा ना उस दे पासों हिरदे की वेदना छुपाई भी नहीं जाती, तो आप मुहारे बोल उठता है अपने हिरदे का दुख। भावें कि तुसी मेरे हिरदे की वेदना जानते हो, पर सच्चे पातशाह मैं बोल के कहिंदा हाँ। महाराज सच्चे पातशाह जी, पंडित बेनती करता है, कहण लगा अज मेरी बेटी दे व्याह दा समा है। जदों मेरी बेटी दे व्याह दे दिन मुकर्रर किए गए, दिन निर्धारित किया गया, तो जिस पंडित ने अग दे दुआले लावा करवा करके बेटी का व्याह करवाना सी ना, उसनू जिस वेले पुछना किया तो महाराज जी उसने 5 रुपये भेटा मंगी सी कि मैं 5 रुपये भेटा लवांगा तां तेरी बेटी का व्याह करावांगा। मैं गरीब ब्राह्मण ने जिवें किवें औखा सुखाला हो करके सारे प्रबंध किए, तो पंडित वास्ते 5 रुपये का भी प्रबंध किया, तो कहण लगा जदों ऐन लावा कराउण दा समा हो गया, व्याह दा समा हो गया, बरात आ गई है, बेटी सज के तैयार बैठी है, तो जदों ऐन मौका आ गया तो पंडित मुकर गया, कहिंदा जी 5 नहीं लैने 50 लैने ने, जे 50 रुपये देवेगा तां तेरी बेटी का व्याह करवाउणा, नहीं तो व्याह ही नहीं करवाउणा। महाराज सच्चे पातशाह जी, मैं गरीब उस पंडित लालची पंडित नूं 50 रुपये कित्थों देवां, मेरे कोल इन्नी वड्डी भारी रकम नहीं। साध संगत जी, गुरु काल दे समय दी साखी श्रवण करदे आ ना कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे सत्कार योग पिता जी ने 20 रुपये दे करके खरा सौदा सच्चा सौदा करन वास्ते भेजना कीता सी। गुरु काल दे समय अज बिजनेस व्यापार शुरू करना होवे ते घट्टो घट 5-7 लाख रुपए की लोड़ पैंदी है, ते ओनी देनी 20 रुपये दे नाल वड्डा भारी बिजनेस प्रारंभ हो सकता सी, व्यापार प्रारंभ हो सकता सी, ते 50 रुपये की किन्नी कीमत होवेगी अंदाजा लगाया जा सकता है। कहण लगा महाराज जी इन्नी वड्डी भारी रकम मैं एक गरीब ब्राह्मण कित्थों लैके आवां, मेरी बेटी का विआह रुक गया है, शरीके बरादरी वाले कुड़माचारी वाले सारे बड़ी बेइज्जती कर रहे ने कि जे विआह कराउण जोगा नहीं सी, पंडित दी दक्षिणा देख जोगा भी नहीं सी, ते बेटी दी बरात बूए ते क्यों सद लई। महाराज जीवन दा कोई हल नहीं, हज नहीं रहा, दुल टुट गया है इन्हां पंडितां तों ब्राह्मणां तों। गरीब निवाज जिवें किवें हो सकदा, मेरी बांह फड़ो, शरण पाई दी लज्जा रखो। ते इस वेले भाई सालो जी, भाई गुरदास साहिब जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी, मुखी सिख उठ खड़े होए ने, हाथ जोड़ करके बेनती करना कीती है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी किरपालता करो, जिवें पहले स्वरूप दे अंदर दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट शब्द उचारण करके आप जी ने अपने गुरसिखां नूं ज्ञान दा जनेऊ बख्शिया ना, दूजे जामे दे अंदर विद्या दी दात बख्शी है, तीजे जामे दे अंदर आशा पंगत पाशा संगत प्रथा चलाईए, सती प्रथा बंद करवाईए। महाराज सच्चे पातशाह जी हुण चौथा जामा धारण कीता है, किरपालता करो इन्हां गरीब ब्राह्मणां नूं ही नहीं अपने सिखां नूं भी इस ब्राह्मणवाद दे मक्कड़ जाल चों कढ लवो, पंडतां दे जाल चों कढ लवो। सच्चे पातशाह जी अपने गुरसिखां वास्ते भी ऐसी गुरमत दी रीति आनंद कारज दी बना दिओ, जदों गुरसिखां दे बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज विआह होया करन ना, ते महाराज इन्हां पंडतां दे गोचरे ना रहना पवे, इन्हां कोल जा करके विआह कराउण दीआं मिन्नतां ना करनियां पैण। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने जुबाने पाक चों प्रवचन फरमाया है, हे ब्राह्मण जी जाओ जा करके अपनी बेटी नूं ते इसे प्रकार सारी बरात नूं ते अपने परिवार नूं लै करके गुरु के चरणा विच आ जावो, सतगुरु नानक देव साहब जी तुहाडे कारज सवार देणगे। बड़े चाओ दे नाल उत्साह दे नाल हिरदा भरिया है, पंडित दौड़दा होया अपने घर विखे गया है, घरवाली नूं जा करके दस्या है, अपने सके संबंधियों नूं बेटी नूं नाल लै करके अपनी बेटी की बरात नूं लै करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे चरणा विखे पुज्जा। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज परम कृपालू साहब जी ने सूही राग दे अंदर 4 लावां का पाठ उचारणा किया है, तो गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने
उस गरीब ब्राह्मण की बेटी अते जवाई नू आपणियां चार परिक्रमा कराईयां ने ते बचन करना कीता है। अज तो यह मर्यादा हुई साढ़े गुरसिख अग दे दुआले बेदी दे दुआले जां पंडित दे दुआले परिक्रमा नहीं करनगे, गुरु दे दुआले गुर शब्द दे दुआले ही परिक्रमा करनगे। ते अज तो जिहड़ा आनंद कारज है यह चार लावां दा पाठ पढ़ के कीता जाया करेगा। इस प्रकार साध संगत जी जो जगत संसार दे अंदर पूरी सिख कौम दे अंदर ते बाकी दे धर्मां वाले भी इस मर्यादा तो प्रेरित होके इस गुरमर्यादा दे अनुसार अज आनंद कारज कुछ करदे ते कुछ तत्पर ने। सतगुरु रामदास सचे पातशाह महाराज साहब जी ने यह वड्डी भारी दात बख्शी है। विद्वान जन लिखदे ने जदों आप जी दे माता पिता चढ़ाई कर गए ते लोग इस प्रकार गल्लां करिया करदे सन, यह अनाथ हो गए ने, हुण इन्हां दी जिंदगी किवें बसर होवेगी, गुजर बसर किवें होवेगा, इन्हां दा ते विआह भी नहीं होना, कौन इन्हां नूं अपनी बेटी देवेगा। यह लोकाचारी दीआं गल्लां सन। जिस श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी नूं दुनियावी मत वाले लोग अनाथ कहिंदे सन, उह कुल दुनिया दे स्वामी बन गए। ते जिस सतगुरु जी नूं बचन करदे सन इन्हां दा विआह नहीं होना, अज उन्हां दी बाणी तों बिना किसे दा विआह ही नहीं हुंदा। हर किसे दा आनंद कारज सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी की बाणी पढ़ करके सूही राग दियां चार लावां दे पाठ दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां पवित्र परिक्रमा करके हुंदा है। ते साध संगत जी इस गुरबाणी का महात्म भी इन्ना वड्डा भारी है ना। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिया दे पास एक बार गुरसिखा ने बेनती की, गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी आप जी दे पंजवें जामे की बाणी नू पढ़दे हाँ, कई कोटे भूत प्रेत सूकर मृगाच। महाराज ये भूत प्रेत इत्याकर इत्यादक सूकर मृगाच बहुत करोड़ों की गिणती विच ने। महाराज की ये गुप्त रूहां सचमुच हुंदियां ने, ते हजूर ने प्रवचन फरमावना करने कीते ने, सिखो जिवें ये दृष्टमान संसार है ना वह अदृष्ट संसार है, इन्हां अखां दे नाल नहीं दिसदा, पर उस संसार उस लोक उन्हां लोकां दी रचना उस दुनिया की रचना भी परमात्मा जी ने की है। वड्डियां सतगुरां ने गुरबाणी विच तां ही लिखे ने जे हैगे ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी सच स्वरूप है। सच की बाणी नानक आखा है, यह सच की बाणी है, यह अमृत बाणी है। गुरसिखो जो भी लिखया अखर अखर ते गुरु भावना रखनी, यह त्रेई काल अबाध सदीव सच है। ते सिखां ने बेनती की, कलगीधर सच्चे पातशाह जी किरपालता करो जेकर यह गुप्त रूहां हुंदियां ने तां सानूं एक बार दिखाई दिओ, दर्शनी करा दिओ। ते गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखन हारा ये बचन उचारना कीते ने कि सारिया नेत्रां दे विचों आप ही देखण वाला है। इस प्रकार जदों बचन उचारना कीते कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच समूह संगतां दे उपर सतगुरु जी ने अमृत दृष्टि पाई है ते सभनां नूं सरबगता बख्श दित्ती है। इधर भूतां प्रेतां नूं आ गया हो गई की तकदे ने चार चुफेरे जिधर भी नजर मारदे ने राहां ते पहियां ते सड़कां ते खेतां दे विच दी सब पासे ते गुप्त रूहां ही गुप्त रूहां भूत ही भूत तुरे आउंदे ने। सिखां ने देखिया इन्हां दा ते लाम लश्कर टिड्डी दल बहुत वड्डा है। पुछना कीता गरीब निवाज सतगुरु जी महाराज ये ते बेअंत ने, कृपा करके ये भी दसो जी इन्हां दी गिणती किन्नी कु है। जिवें हर एक दी आबादी दा एक अनुमान हुंदा ना, अज भारत वर्ष की आबादी लगभग 135 करोड़ मनी जाती है। महाराज सच्चे पातशाह जी इन्हां दी आबादी किन्नी क है, गिणती विच कितने कु ने, कृपा करके दसो जी। महाराज मुस्कुरा करके कहण लगे फिर इन्हां नूं पुछ दिंदे आ ये किन्ने क ने। ते महाराज जी ने पुछना कीता इन्हां गुप्त रूहां नूं तुसीं गिणती दे विच किन्ने क हो, ते कहण लगे सच्चे पातशाह गिणती दे विच ते बहुत ज्यादा सी पर हुण साडी गिणती घटनी शुरू हो गई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मुस्कुराए ने, अंतरजामी ने, जानते ने सारी विधि नूं, पर गुरसिखां दे कोल प्रगट करना है इस बात नूं ते पुछना कीता उन्हां गुप्त रूहां नूं भाई तुहाडी गिणती घट किवें रही है, क्यों घटदे जांदे हो। ते तिन्हां गुप्त रूहां ने कहना कीता गरीब निवाज सतगुरु जी जो पहला विआह दी रीति चली आउंदी है पंडित दे दुआले अग दे दुआले जां बेदी दे दुआले लावां करके विआह हुंदा है, ते जदों एवें विआह हुंदा सी अग दे दुआले इत्यादिक परिक्रमा करके ते विआह वाली जोड़ी दा असीं एक एक रोम एक एक वाल तोड़ लैंदे सी,
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਸਨ ਗਲੀਜ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਮ ਉਹ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਾਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਦਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਗਲੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਦ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਜ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁਟਕਾ। ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਬੀ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੂੜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਭਰਵੱਟੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਮ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੂੜਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੀ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 20 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਵਢਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੇਟ ਵੀ ਕਟਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਗੁੱਗੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ,
पापां दा भार लगदा नहीं, विकारां दा भार नजरी नहीं आउंदा, पर सिर ते केस बड़े भारे लगदे नहीं जी, केस भारे हो गए। प्यारिया जेड़ी तेरी बुद्ध प्रगट हो गई है ना कि केस भारे हो गए, असल दे विच तेरे पाप भारे हो गए ने, पापां दी पंड भारी हो गई है जेड़ी तेनू गुरु चरणां दे नालों तोड़न लगी है। रहो विचार, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन फरमान ने, सो सिख सखा बंध पहै भाई, जे गुर के भाणा विच आवै अपना भाणा जो चलै भाई, विछड़ चोटा खावै। जेड़ा माई भाई सतगुरु जी दे भाणे दे अंदर मर्जी दे अंदर आग्या दे अनुसार चलदा ना, गरीब निवाज साहब जी फरमावना करदे ने, उह सिख है, सखा है, मित्र है, संबंधी है, साडा भराता है। सतगुरु जी इतना सन्मान बख्शदे ने ते जेड़ा मन दी मर्जी अनुसार चलदा है वह फिर सतगुरां दे चरणां नालों विछड़ के चोटा खांदा है। जी केड़ियां चोटा खांदा है? जम जम मरै, मरै फिर जमै, बहुत सजाए पाया देस लम्मै। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दीआं सिख्यावां दे अनुसार अपना जीवन बनावना करिए। गरीब निवाज सतगुरु जी दीआं बेअंत बख्शिशां हुंदीआं ने। साध संगत जी धरती दे उपर प्रगट ही दो सचखंड ने, एक सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी, सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का घर है, ते दूसरा प्रगट सचखंड स्थान साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का सतयुगी तप स्थान, जिस पावन स्थान ते आप ते असी सारे हाजरियां भर रहे हैं, जिथों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सनदेही सचखंड जाण दा कौतक करना कीता है, ये सचखंड श्री हजूर साहिब। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का अदृष्ट लोक दे अंदर एक सचखंड है, पर जिस वेले अकाल पुरख जी निर्गुण तो सरगुण स्वरूप होकर के धरती ते आए ते धरती दे उपर दो सचखंड आप जी ने प्रगट कर देना कीते ने। गरीब निवाज सतगुरां दे दोहां ही सचखंड अस्थाना की बेअंत महिमा है, पर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रगट दिवस होने करके उन्हां दे सचखंड की कुछ कु पलां वास्ते बात करके फिर अमृत बाणी की कथा सरवण करांगे। साध संगत जी, न्यूजीलैंड दे विच एक भाई कुलवंत सिंह खहरा नाम का आदमी है जो रेडियो चलाउंदा है, ते गए हुए सिख प्रचारकों का गुरसिखां दी संगतां दी फरमाइश दे अनुसार प्रोग्राम बना करके ते सिखी का प्रचार अपने रेडियो ते भी करवाउंदा है। उस गुरसिख ने अपने जुबानी दसना कीता, उसकी जो सकी भैन है ना एक हस्पताल दे विच नर्स लगी हुई है, तो उस हस्पताल का जिहड़ा सीनियर डॉक्टर है वह कैंसर दे रोग का स्पैशलिस्ट है, कैंसर दे रोग का इलाज करता है। उस डॉक्टर दे कोल एक छोटा बच्चा जो कैंसर दे नाल पीड़ित है, कोई 10-12 सालों का होगा, कैंसर दे नाल पीड़ित है, डॉक्टर ने इलाज करना आरंभ किया, पर जिवें जिवें इलाज किया बच्चे की हालत विगड़ती गई, तो आखिरकार डॉक्टर ने कह दिता ये बच्चा 10 to 15 दिन ही जीवदा रह सकता है, हुण लास्ट स्टेज है कैंसर की, हुण इन्हें बचना नहीं। जे किसी रिश्तेदार नूं मिलना चाहुंदा जां रिश्तेदार इहनूं मिलना चाहुंदा तो मिला देवो, जे इस दे हत्थों कोई पुन दान करवाउणा तो करवा लेवो, इसकी जिंदगी खत्म है, शरीर की औध पुग गई है, बीमारी जित गई है, हुण कोई जतन नहीं हो सकता। हुण उस माता पिता का इकलौता पुत्र है, धाहां मारदे डॉक्टर दे हस्पताल चों बाहर आए ने, हिरदे नूं धीरज नहीं आउंदी, पुत की मौत सामने नजर आउंदी है, पुत नूं अखां दे नाल मरदियां देख नहीं सकदे, ते दोहां जीआं ने विचार बनाई है सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे सचखंड श्री हरिमंदर साहब ले जा करके अमृत सरोवर विच इशनान करवाइए, जे जान ना वी बचे ते अगले लोक विच ही सही पुत दा भला ते हो जू ना। एवें विचार करके साध संगत जी न्यूजीलैंड तो श्री अमृतसर साहब पुजे ने, पुत्र नूं इशनान करवाया है। जिवें जिवें समा बतीतदा पल पल मौत नेड़े आउंदी दिखदी है। उस बच्चे दे माता पिता दोवां ने अपने विच विचार कीती है, इकलौते पुत नूं अखां दे नाल मरदिआं साडे तों देखिआ नहीं जाणा। कुछ सेवादारां दे नाल उत्थे गलबात करना कीती है, भाई साहब साडी बेनती है, साडा इकलौता पुत मरन किनारे है, पर असीं अपने पुत नूं मरदिआं नहीं देख सकदे, इहदी मौत दा समां नेड़े है, असीं विचार इह कीती है कि असीं दोवें चले जांदे आ, बच्चे नूं सतगुरु जी दे चरणां विखे छड्ड जांदे आ, इतने कु दिनां ने बच्चे ने पूरा हो जाणा है, जदों पूरा हो जावे ते सानूं अपना नंबर दे दिता, कॉल कर दिओ, फोन कर दिओ,
आके बच्चे का मृतक शरीर तो लै जावे, अंतम रस्मा मजबूरी बस करनिया ही पैनिया कर लवाने, पर पुत मरदा साडे तो देखा नहीं जाना। उन्हां सेवादारा ने बेनती नूं प्रवान किया, बच्चे नूं छड करके नेड़े किधरे रहण वास्ते चले गए ने। पर जितने के दिन डॉक्टर ने कहे सन उतने दिन लंघ गए, टैलीफोन कोई आया नहीं, कॉल कोई आई नहीं। इधरों बच्चे दे मन विच वैराग पैदा हो गया। जदों डॉक्टर ने जवाब दे दिता संबंधी इत्यादिक कोई सहायक नहीं, माता पिता भी साथ छड के चले गए ने, ते हुण रब तो बिना सतगुरु रामदास साहब जी तो बिना मेरा कोई वाली वारस नहीं। सतगुरु रामदास सचे पातशाह महाराज साहिब जिया के चरणा विखे अरदासा करदा, सचे पातशाह हुण ते ना मां अपनी ना प्यो अपना, हुण ते मां भी तुसी ते प्यो भी तुसी। महाराज माता पिता छड के आप जी दे चरणा विखे, हुण मैनू टेक आप जी दी, ओट आप जी दी, भरोसा आप जी दा, तुसी ही मेरे माता पिता, तुसी ही मेरे डॉक्टर, तुसी ही मेरे वैद, तुसी ही मेरा इलाज, ते तुसी ही मेरी दवा दारू। सचे पातशाह जिवें किवें हुंदा मेरी दर पए दी लाज रख लवो, मैनू तंदुरुस्ती बख्श देवो। दुनियावी माता पिता छड के चले गए, ते हुण अध्यात्मकता दे जीवन ते रूहानियत दे जीवन दे धार्मिक जीवन दे परम पिता परमेश्वर जी दे सरगुण स्वरूप सतगुरु जी दे चरणा विखे बेनतियां करदा, महाराज तुसी मेरे पिता ते तुसी ही मेरे माता हो। सारा दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर बैठ करके कीर्तन सरवण करदा है, भुख लगती है तो सतगुरां दे लंगरां चों प्रशादा छक आउंदा है, दुख भंजनी बेरी दे थले इशनान करदा है, बालक कल्ला ही सतगुरु जी दे चरणा विखे है। जितने कु दिन डॉक्टर ने दसे सन वह दिन लंघ गए, ते बच्चे दे माता पिता ने विचारिया डॉक्टर का कोई फोन नहीं, वाहिगुरु सेवादारां का कोई फोन नहीं आया, किधरे ऐसा ना हो कि बच्चा चढ़ाई कर गया हो, संस्कार आप ही कर दिता हो। एडा वड्डा गुरु घर है, इन्ने सेवादार ने, इन्ने कार्ज चलते ने, किसी का संस्कार कर देना कि वड्डी गल है, सेवा जान के कर दिता होगा। दोवां जियां ने विचार की, पुत ते बच्चा होना नहीं, लाश सानू मिलनी नहीं, ते जाके पता करिए माता सेवादारां दे पासों, पुत्र दे शरीर दियां अस्थियां मिल जाण, फोली मिल जाण, जल प्रवाह कर देवांगे। एवें जाण करके बच्चे दे माता पिता सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पुज्जे ने, जा करके सेवादारां नूं पुछदे ने, पहलां ते पता नहीं लगदा। फिर एक सेवादार ने आख्या किधरे उस बच्चे की गल ते नहीं करदे जिहड़ा सारा ही दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब बैठ के कीर्तन सरवण करता है, ते प्रशादा गुरु के लंगरों छकदा है। उस दे माता पिता ने कहना कीता हुण वह बच्चा किथे है, ते सेवादार ने आख्या जा करके सचखंड श्री हरिमंदर साहब दर्शन करो, जे उथे ना मिलिया ते फिर गुरु के लंगर चो मिलेगा। उथे घंटा दो घंटे जितनी बाण आउंदी उह सेवा भी करदा है, सेवा करदा मिल जाएगा, जां लंगर छकदा मिलेगा, जाना किथे उसने। माता पिता ने जा करके लंगर दे विच तकना कीता है, इन्हों का जेड़ा बच्चा कैंसर का पीड़ित, जिसनों डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों का मेहमान है, वह लंगर विच बैठा प्रशादा छक रहा है, नौ बर नौ है, तंदुरुस्त है। जदों प्रशादा छकदिया देखिया है, धा करके जा करके सीने दे नाल लाया है, गल वकड़ी पा ली है, मथा चुमे है, मुख चुमे है, पुत सतगुरु जी ने कृपा की, तेरा दीदार करा दिता, असी तो आस छड बैठे सी। इस वेले कहना कीता माता पिता नूं मैं तुहाडे नाल बोलना नहीं, जदों मेरे ते दुख की घड़ी आई ते मैनू कल्ले नूं छड के मरण वास्ते कादे मेरे माता पिता हो। मेरे माता पिता ते सतगुरु रामदास सचे पातशाह जी ने, जिन्हां ने मैनू जीवन बख्श दिता, जिंदगी बख्श दिती, दसिया हुण मेरे शरीर के अंदर कोई पीड़ा नहीं, कोई रोग मैनू लगता नहीं, मैं अपने आप नूं तंदुरुस्त महसूस करदा हाँ। माता पिता ने मुख देखिया, पहलां तो तकड़ा लगता है, पहलां तो शरीर भरवां लगता है, मुख ते लाली डलकदी लगती है, चेहरे ते नूर लगता है। सतगुरु रामदास सचे पातशाह महाराज साहब जी का शुकराना करके वापस न्यूजीलैंड लै गए। उसे होस्पिटल उसे डॉक्टर दे कोल फिर जाके चैकअप कराया, ते डॉक्टर वेख के हैरान हो गया, कहण लगा इस बच्चे ने ते पहला ही मर जाना सी, अज जिउंदा किवें है? किसे वैद दे पासों कोई देसी दवाई कोई जड़ी बूटी खवाई है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां विच ते इहदा इलाज है नहीं सी, ये बचिया किवें? ते भाई कुलवंत सिंह जी रेडियो वाले जिन्हां दी भैण उस डॉक्टर दे विच नर्स सी, वह कहना करदे उस वेले मैं अपनी भैण दे समेत डॉक्टर दे कोल मौजूद सी। ते बच्चे दे माता पिता ने दसिया सब तो वड्डे वैद सब तो वड्डे डॉक्टर ने इन्हां दा इलाज कीता है। पुछया जी दुनिया विच ऐसा सब तो वड्डा डॉक्टर केड़ा है? ते बच्चे दे माता पिता ने दसना कीता सतगुरु श्री गुरु रामदास सचे पातशाह जी महाराज,
कुल दुनिया विच सब तो वड्डे डॉक्टर ने, जिथे दुनियावी डॉक्टरां दे हथ खड़े हो जांदे ने, मैडिकल साइंस दे हथ खड़े हो जांदे ने, उत्थे भी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कृपालता करके तंदुरुस्ती बख्श देंदे ने। ये सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे अमृत सरोवर दे जल दा कमाल, तिन्हां दी बाणी दा कमाल है, जिथे अमृतसर सरोवर विच इशनान करके ते अमृत गुरबाणी दा कीर्तन सुन के रोग दूर होया है। ते साध संगत जी डॉक्टरां ने अक्सर अपने गल दे विच टूटियां पाईयां हुंदियां, जिस नूं स्टैथोस्कोप कहा जांदा डॉक्टरी भाषा दे अंदर, उस वेले डॉक्टर ने अपने गल दे विच ओह स्टैथोस्कोप ला करके, टूटियां ला करके जोर दे नाल कंध ते मारियां, ते कहण लगा फिर मैं छोटी डॉक्टरी चों की लैणा, जिस डॉक्टरी नूं करदिआं मैं किसे दी जान ही नहीं बचा सकदा, की लैणा ऐसी डॉक्टरी चों, अज तो बाद मैं डॉक्टरी नहीं करनी, सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे चरणा की सेवा ही करनी है। ऐसे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज दीना बंधु भगत वशल करुणा निधान पतत पावन पर उपकार दी मूर्त सेवा सिमरन दी मूर्त अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी जहरा जोत जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन्हां सतगुरां ने किरपालता करके 30 रागां दे अंदर 679 शब्द उचारना कीते, जो लावां दे सहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन सरूप दे अंदर सुभाए मान ने, समूह सतगुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समुचे संसार नूं सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे अवतार पुरब दीआं बेअंत 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 वधाइयां ते गुर चरणा विखे रजोई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी किरपालता करके सानू अपने मुबारक चरणा दी शरण विखे रख लैणा करो। सच्चे पातशाह असी भी रोगी हैं, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी, हौमै रोग मनुख कौ दीना। महाराज सच्चे पातशाह जी सानू मनुखा नू हौमै दा रोग लगा है, ते हौमै दे सहत विकारां दे सारे रोग लगे ने, जिवें किरपालता करके उस बालक दा कैंसर दा रोग कटिया, साडे भी इन्हां अंतरीव रोगां नू किरपालता करके कट देना करो। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी सभना ते साडे ते मेहर करके, किरपालता करके, चरण कमलां दे नाल जोड़ करके, गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान वाला जीवन बख्श करके कृतार्थ करन जी, जो कलगीधर साहिब जी दे पावन तख्त साहिब जी दी मर्यादा है, कुछ समय वास्ते सतगुरु जी दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी लड़ीवार चल रही कथा विचार नूं श्रवण करके, श्रवण भगती करदिआं होर गुरचरणां दे विचों लाहा प्राप्त करिए, सरबत संगत प्यार दे नाल उचारना करिए जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, गौड़े महला गरीब निवाज धीरज धारी पर उपकारी शांति दे पुंज ब्रह्म ज्ञान दे सागर श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिया दे पास गुरसिखां ने अर्ज गुजारी है। सच्चे पातशाह जी साडे करने योग ऐसा श्रेष्ठ करतब केड़ा है, जिस करतब नूं करके असी संसार सागर तो सुखै नहीं पार हो जाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गौड़ी राग दे अंदर पावन उपदेश फरमाउंदे हन जी, साधो गोबिंद के गुण गावो, हे साध जनों, अथवा साधु तो भाव है श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ जनों, हे गुरसिखो, जो सारी सृष्टि दा प्रतपालक गोबिंद हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है ना, तिस दे जस रूपी गुणा नू सदा ही अपनी रसना दे नाल, अपनी जुबान दे नाल, वाक इंद्रे दे नाल गाउंदे रहो। बंदना हर बंदना गुण गावहो गोपाल राय, उस प्रकाश स्वरूप हरि वाहिगुरु जी दे गुण सदा ही अपनी रसना दे नाल, जुबान दे नाल गाउंदे रहो। मानस जन्म अमोलक पायो, ये जेड़ा मनुखा जन्म है ना बड़ा अमोलक है, ते पायो तहनू सहजे ही सुखैन ही प्राप्त होया है। ए जन्म ऐसा है जिसनू वली नबी पैगंबर देवियां ते देवते भी तरसदे ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਧੰਦੇ ਧੰਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਥੇ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰੋ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਦੇਨ ਬੰਦ ਹਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਤਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਮੈਲੇ, ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਮੈਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਮੈਲਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ, ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਦ ਹਰ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਹਰ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਦੀਨ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੇ, ਤੇ ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਡ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਇਆਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਪਾਵਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਆਵੋ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਣਾ ਕਰੋ। ਗਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਹ ਸਿਮਰਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਰਦੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਾ ਉਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਭਾਰੇ ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ,
सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दे भोग दे सलोकां दे विच भी पावन बचने देना, बल छुट के ओ बंधन परे कशु न होत ओ पाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाए। जिवें हाथी की सहायता की सी महाराज, इवें सहायता करो। इसे प्रकार साध संगत जी हाहा अते हूहू नाम दे दो गंधर्व सन, जेड़े स्वर्ग लोक दे रागी सन, जेड़े स्वर्ग लोक दे विच राजे इंद्र दे दरबार विच रागा नू गायन करके सुनाउंदे ने। पुरातन समयां दे विच राजे महाराजे अपने दरबार दे अंदर कवियां नू भट्टां नू ते रागियां नू रखिया करदे, कवि कविता रच के सुनाउंदे, भट्ट जन राजियां दी उस्तत करदे, ते जेड़े रागी हुंदे ओह राग सुनाया करदे। इस प्रकार जिवें अकबर बादशाह दा रागी तान हुसैन बड़ा प्रसिद्ध है, इसे प्रकार स्वर्ग दा राजा जो इंद्र है उस दे दरबार दे अंदर भी अपसरा नाच करदियां ने, ते जेड़े गंधर्व ने ओह राग गायन करदे ने। इन्हां रागियां दे विचों हाहा ते हूहू नाम दे दो गंधर्व बड़ी राग विद्या विच निपुण ने, ते अपनी राग विद्या दा हंकार भी बड़ा है। इन्हां नूं हंकारी जाण करके दैवल ऋषि ने श्राप दे दिता है, हंकारियो जाओ जा करके हाथी ते तंदुआ बनो। हाहा ते हूहू जेड़े दोवें गंधर्व ने मात लोक ते डिगे ने, एक नूं हाथी दा शरीर प्राप्त हो गया ते दूसरे नूं तंदुए दा। जेड़ा तंदुआ है ये तालाब दे अंदर बैठा होया है, वड्डा भारी शरीर धारण किया, लंबिया लंबिया इस दियां तारां ने। ते साध संगत जी पटना साहब तो 8 कोहां की दूरी ते यह सरोवर है, ये पानी का सोमा कुंड है जिथे ये तंदुआ बैठा होया सी। हाथी जदों अपने परिवार के समेत जल छकण वास्ते आया, गोड्या गोड्या तक पानी विच प्रवेश किया, तंदुए ने तारा फैलाईया हुई सी, खिच के हाथी नू पानी विच डुबण लगा है। हाथी का कोई वस नहीं चलता, जोर नहीं चलता, पानी अंदर खिंचया गया, शरीर सारा डुब गया, केवल तो केवल हाथी की सोंडी पानी चो बाहर बची है। कमल का फुल नदी विच कुरड़िया आउंदा सी, सोंड दे नाल पकड़ करके उपर नू चुकिया है, परमात्मा जी मेरे गरीब कोल पशु कोल होर ते तुहानू देण वास्ते कुछ है नहीं, ये फुल दी भेटा प्रवान करो ते मेरी रख्या करो। बैकुंठ धाम चो भगवान जी आए ने, प्रगट होए ने, सुदर्शन चक्कर दे नाल तंदुए दियां तारां कट करके हाथी नू मुक्त करना कीता है। सतगुरु जी उदाहरण देंदे ने, सिखो हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा ते बिरद ऐसा गज को त्रास मिट्यो जिहे सिमरत। जिस भगवान जी दा वाहिगुरु जी दा नाम दा सिमरन करके हाथी दा खौफ मिट गया, डर मिट गया है, तुसी भी उस दे नाम नू जपना करो। साध संगत जी जीव हाथी दी न्याई है, संसार तालाब दी न्याई है। इसे प्रकार साध संगत जी जो विकार है ये तंदुए दियां तारां ने, काम क्रोध रूपी तंदुआ इस संसार रूपी जल दे अंदर अपने फैलाओ करके बैठा होया है विकारां दियां तारां दा। ते जिहड़ा जीव है जदों इत्थे संसार दे विच आया, तंदुए ने अपनियां वाशनावां रूपी जल दे विच विकारां रूपी तारां दे नाल खिच के डोबण दा यतन कीता, ते जिस वेले फिर जीव रूपी हाथी भावना रूपी सुंड दे नाल शरदा रूपी फुल वाहिगुरु जी नूं अर्पण करे, वाहिगुरु जी कृपालता करके मेरी रख्या करो, ते वाहिगुरु जी सिमरन रूपी सुदर्शन चक्कर दे नाल जीव दियां विकारां रूपी तारां नूं कट देंदे ने। हजूर फरमावना करदे ने वाहिगुरु जी दा बिरद ऐसा है, भावें कोई हिरन होवे, हाथी होवे, कीड़ा मकौड़ा होवे, नर होवे, नारी होवे, जेड़ा भी जीव होवे वाहिगुरु जी नूं याद करे, वाहिगुरु जी डर मेट देंदे ने। भाई हाथी दी उदाहरण देख लवो, डर पल विच दे विच मेट देना कीता सी। तुम काहे विसरावो, ऐसे हरी परमात्मा जी दे नाम नूं तुसी क्यों विसार दे हो, खिन मात्र भी विसरना ना करे, सो क्यों विसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया, जिस दा दिता होया जीवन जीवदे हो प्यारे हो क्यों नाम नू विसारदे हो। ताज अभिमान मोह माया फोन, गरीब निवाज साहब जी फरमावना करदे ने, सिखो मन दे अभिमान नू तज देना करो, छड देना करो, फोन पुनः माया दे मोह नू हिरदे दे विचों त्याग देवो। भजन राम चित लावो, ते राम जी दे रमे हुए परमात्मा जी दे भजन दे विच अपने चित नू लावना करो, चित दे प्यार दे नाल जपना करो सतनाम श्री वाहिगुरु। विकारां नू छड के
जात का अभिमान, विद्या का अभिमान, जवानी का अभिमान, गुणा का अभिमान छड करके, माया दे मोह नू त्याग करके वाहिगुरु जी दी बंदगी दे विच मन नू जोड़ लवो। नानक कहत मुकत पंथ एहो। सतगुरु जी फरमावना करदे ने सिखो मुक्ति दा रस्ता एहो ही है, पंथ दा अर्थ है रस्ता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जानदे ने कहो कबीर जिस उधर तिस माया, माया त्याग करके किसे दा गुजारा नहीं होना, उपजीविका नहीं चलेगी। महाराज जी ने माया त्यागण दा उपदेश नहीं दिता, माया दा मोह त्यागने दा उपदेश दिता है। वाहिगुरु जी दी दात जान करके खर्चनी है, दसवंध भी कढ़ना है, कमाई भी करनी, पर मोह धारण नहीं करना। यह मुक्ति दी जुगती है, यह मुक्ति दे मार्ग दे उपर चलण दा सिखो तुहानू भेद दस्या, मुक्ति दा रस्ता यही ओही है। गुरमुख होए तुम पावो। ते पूरे सतगुरु जी तो उपदेश धारण करके गुरमुख हो जावो। जदों सतगुर दे उपदेश द्वारा गुरमुख बिरती नू धारण करोगे तुम पावो, तुसी पति परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू पा लवोगे, मुक्ति नू पा लवोगे, बंधना तो खलासी पा लवोगे, 84 लाख दे गेड़िया तो भी मुक्त हो जावोगे। ते तुम पावो अपने स्वरूप रूप नू पा लवोगे, तुम पावो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे स्वरूप रूप दी अभेदता नू पा लैणा करोगे। इस प्रकार गुरसिखां दी बेनती ते सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने नाम जपण दी जुगती, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा बिरद वी जनावणा कीता है। वह वाहिगुरु पत्तां नू पावन करन वाला है, पशुआं नू, प्रेतां नू, मूर्खां नू, सबना नू तार देण वाला है। माया दा मोह हौमै अभिमान नू छड करके बंदगी करो गुरसिखो, सारे तर जावोगे। इस प्रकार गरीब निवाज धीरज धारी श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने पावन उपदेश की बख्शिश करना कीती है। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे जीवन चो कुछ अंश आप जी की नज़र करदे हां। गरीब निवाज सतगुरु जी की गुरबाणी के अर्थ सरवण करवावदे हां, हाजरी भरदे हां, होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां चुक्कां दी साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी और कृपालता करके खिमा अगे वास्ते समत बख्शो जी। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत बख्शन योग है, कृपा करके बख्श लवो, अगे वास्ते समत बख्शो। सतगुरु रामदास सचे पातशाह महाराज साहब जी के अवतार पुरब दियां समूह संगतां नू बेअंत 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 वधाइयां। सतगुरु जी कृपालता करके सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करो प्यारी गुरसिखी बख्श के कृतार्थ करन। पावन गुर शब्द दियां अखीरलियां दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है जी। ताज अभिमान मोह माया फोन, भजन राम चित लावाओ, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरमुख हुए तुम पावाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।